इस योजना से फायदा नहीं मिलेगा तो कैसे जियोगे आप, कैसे हेल्थ और इन सब पर काम करोगे? कुछ तो करना होगा। सरकार तो अभी वेतन बढ़ाने से रही, सरकार बात करने को राजी नहीं है। आपने लखनऊ में भी प्रयास कर लिया, अब आप कह रहे हो कि हम एक धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या तैयारी है अगली? माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए, माइक म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। जी जी प्रयास तो हमारा चलेगा हमेशा से। संगठन दो कदम आगे तो चार कदम पीछे रणनीति बनाता है अपने समाज के हितों के लिए, और लेना सरकार से है। सरकार से हम वार्ता भी करेंगे, अगर वार्ता हमारी नहीं सुनी, अभी तक तो नहीं सुनी गई, 7 साल हो गए हम लोग मांग करते ही आ रहे हैं। 25 जुलाई 2017 को जो हमारा समायोजन निरस्त हुआ था, उस समायोजन निरस्त होने के बाद तब से सरकार हमारी मांगों पर गंभीर है। जब किसी के माध्यम से हम वार्ता करते हैं तो एक शब्द आता है कि सरकार गंभीर है, आपके प्रति गंभीर है, विचार करेगी। तब से विचार कर रही, 7 साल पूरे हो चुके हैं, 7.5 साल भी बीतने वाले हैं। तो मुझे तो अब ये उम्मीद बहुत कम लग रही है कि सरकार हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन अगर नहीं सोचेगी तो हमारे समाज को एकत्रित होकर के उनको सोचने पर विवश करना पड़ेगा। जैसे अगली डिबेट में हम लोग जब बैठे थे तो आदरणीय वरिष्ठ हमारे पितातुल्य हैं दुबे जी ने भी कहा था, अरे मिश्रा जी ने भी कहा था कि अगर कोई नहीं सुनता तो उसको कानों में रुई हटाने के लिए आप प्रयासरत होंगे। तो हम रुई हटाने के लिए प्रयासरत हैं, और रुई हटाने में बिल्कुल अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल हम तैयार हो चुके हैं। रणनीतियां बन चुकी हैं, रणभेरियां भी बच चुकी हैं मिश्रा जी। अब सरकार ये सोच ले कि अगर हमारी मांगों को, हमारी बातों को अगर वो अनसुना करेंगे तो अब हम चुप बैठने वाले नहीं है। जनवरी में आने वाले नए साल के जनवरी में पूरे शिक्षा मित्रों का और संविदा कर्मियों का एक हुजूम लखनऊ में मिलेगा, जिसमें मैं आपका भी साथ चाहता हूं, अपने सभी साथियों का साथ चाहता हूं कि प्रदेश सरकार से एक बार पुनः आप लोग भी प्रयास करें कि इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाए तो अति सुंदर है। ठंडक का महीना है, किसी के पास स्वेटर होगा, किसी के पास साल नहीं होंगे, किसी के पास कंबल होगा, कंबल नहीं होंगे। उस ठंडक के महीने में लखनऊ जा करके हमारे साथी अगर वहां तबीयत खराब हो या किसी भी स्थिति में पड़े, ऐसा ना हो, सरकार हमारी बात सुने। हम आप सबके माध्यम से मांग करते हैं, और नहीं सुनती है तो हम तो तैयार हैं कि अब आइए हम आपको अपनी बात सुनाने के लिए विवश करेंगे। बिल्कुल अश्विनी जी, बड़ी गंभीर बात कर रहे हैं रमेश मिश्रा जी, करें क्या? आखिर अब जो शिक्षा मित्र हैं वो अपनी उम्र के पड़ाव पर आ गए हैं। शिक्षा मित्र की उम्र 45 साल से लेके 52 साल तक है, 56 साल तक है, कुछ का कुछ समय बचा है रिटायरमेंट में। अनुदेशक की उम्र झगड़ते झगड़ते 40 क्रॉस हो चुकी है और 48 वर्ष तक है, 47 वर्ष तक है, इस उम्र में जाएंगे कहाँ? जी मैं पहले भी बोल चुका हूं और बार बार एक ही बात बोलता हूं कि किसी भी आंदोलन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे हमने देखा है, चाहे हमारे स्वतंत्रता से पहले गांधी जी ने दांडी मार्च किया हो, या 1857 की क्रांति हुई हो, या हमारे अभी रिसेंट हमने देखा था कि अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ था जिसने काफी परिवर्तन लाया, अच्छा या बुरा वो बात की बात है, पर परिवर्तन लाया। तो शिक्षा मित्रों को भी बार बार बोलता रहा हूं, और जिसको भी बार बार बोलता रहा हूं कि अगर आप सच में इतनी प्रॉब्लम